हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? सो आज के वीडियो में फाउंडेशन का रिव्यू है, राइट? सो यू नो दैट दिस इज़ हुडा ब्यूटी फोर फिल्टर फाउंडेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विद द पैकेजिंग, ये इस तरह के बॉक्स में आता है एंड देन दिस इज द एक्चुअल पैकेजिंग। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ एक बार। गाइस, दिस इज हुडा ब्यूटी फोर फिल्टर फाउंडेशन 35 ml। दिस फॉर 3,310 rupees एंड यू हैव 30 शेड्स इन दिस। एंड दिस इज पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, टैल्क फ्री, वेगन एंड ग्लूटेन फ्री फॉर्मूला विच गिव्स यू मैट एंड मीडियम टू फुल कवरेज। दिस इज़ अ फाउंडेशन विच विल गिव यू नाइस मैट फिनिश। इफ़ यू डोंट लाइक दैट, आई हैव अ ट्रिक विच आई हैव शोन इन द डेमो विच यू विल सी सून। तो ये फाउंडेशन बेसिकली बिल्कुल मैट इफेक्ट देता है एंड मीडियम टू फुल कवरेज देता है, मीडियम से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही कवरेज दे देता है। सिर्फ एक पम्प ज़रूरी है आपको। इट हैज़ टू मच ऑफ फ्रेग्रेंस एक्चुअली, जिसकी वजह से बहुत लोगों को ये ब्रेकआउट करता है। फॉर मी इट्स अ 50-50 थिंग बिकॉज मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि वेदर इट वॉज दिस फाउंडेशन और समथिंग एल्स विच ब्रोक मी आउट। सो अभी बहुत दिनों बाद मैंने ये लगाया है एंड लेट मी सी, लाइक आफ्टर 3 to 4 days आई एम गोइंग टू कमेंट ऑन दिस वीडियो और आई एम गोइंग टू लाइक ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि ये मुझे यू नो ब्रेकआउट किया कि नहीं। सो फॉर्मूला वाइज, एज आई हैव सेड, इट्स वेरी थिक फॉर्मूला, इट्स वेरी थिक। लाइक इफ़ यू डोंट लाइक थिक फाउंडेशन यू विल हेट इट। फ्रेग्रेंस इज टू मच एंड आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट विल बी देयर फॉर सम टाइम इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन विच आई हेट समटाइम्स बिकॉज समटाइम्स यू गेट इरिटेटेड विद दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इन योर कॉस्मेटिक्स, राइट? एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फिनिश, आई लव इट। आई लव द वे इट गिव्स मी दैट फ्लॉलेस इफेक्ट एंड फ्लॉलेस फिनिश। सो डेफिनेटली किसी इवेंट पर मुझे जाना है तो मैक, हुडा ब्यूटी या एस्टी लॉडर, ऐसी चीज़ों को प्रेफर करती हूँ मैं। एंड आई थिंक हुडा ब्यूटी भी बहुत ही अच्छा। पहले मुझे ये था कि मैक, आई ऑलवेज यूज टू गो फॉर मैक, बट नाउ इवन दिस, आई थिंक दिस गिव्स मोर कवरेज टू मी दैन मैक। इट गिव्स यू मीडियम टू फुल कवरेज। आई हैव ट्राइड ऑन दिस एक्ने, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। इट्स बीन लाइक 5 hours आई हैव बीन शूटिंग एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इट लुक्स फैब। दो आई हैव टू सेट फ्यू ऑफ द एरियाज बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है, तो इट डजेंट लास्ट लॉन्ग, इट डजेंट गिव यू दैट मैट इफेक्ट फॉर लॉन्ग। ऑब्वियसली मैंने इसको सेट किया था, के ब्यूटी की लूज पाउडर मैंने यूज़ की थी, सो उसको मैंने बहुत लाइटली लगाया था। नाउडेज आई हैव स्टार्टेड यूजिंग लेस पाउडर बिकॉज आई लाइक दैट काइंड ऑफ शाइन ऑन माई फेस, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखती है और बहुत कम भी नहीं होती है। मॉडरेट लेवल में एक ग्लॉसी फेस अच्छा लगता है मुझे, इंस्टेड ऑफ लाइक फ्लैट मैट। यू कैन वॉच द डेमो सेक्शन एंड कम बैक। Can see that's the matte side and that's the MAC stroke cream wali, thodi si glossy wali side. So which one you like and which one you prefer, it's all up to you. But if you have this foundation and if you feel ki ye kafi heavy hai, mujhe nahi use karna hai, to you can try this. And if you have, like if you don't have MAC stroke cream, you can mix any nice moisturizer and you can get this kind of look. That whenever I use this with proper skincare, proper hydration and proper mixing with either stroke cream or some other, like any cream which will make it more better to apply, it has worked really well compared to the dry and matte effect. It's good for like 4 to 5 hours. After that I have to set my face because my skin is oily, and then it's good to go again for like 3 to 4 hours. So I feel for like staying power wise, it's good for 8 hours if you kind of take care in between. I think it's for any foundation. I have not found any foundation jisko leke main 8 ghante tak kuch bhi na karu to wo foundation waisi rahega, because meri skin oily hai, right? So I have to like 3 to 4 hours mein mujhe thoda sa touch up
लगता ही है. सो आई थिंक इवन विद दिस इट्स द सेम. ये पूछोगे कि इसकी कंपैरिजन मैक एस्टी लॉडर ये सबसे मैं करूँ तो कौन सा बेस्ट है, तो इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट टू टेल बिकॉज एवरी फाउंडेशन हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स और ओन ड्रॉबैक्स. सो दिस फाउंडेशन इज़ हैविंग टू मच ऑफ फ्रेगरेंस. If you have sensitive skin with fragrance, I think you will not like it. And क्योंकि ये काफ़ी thick foundation है and काफ़ी matte है, उसकी वजह से भी अगर आपकी skin normal to dry में है तो आपको issue आएगा. But oily to combination skin with proper skin care and all, if you use it, it will be a really good foundation because I think it is free from parabens and all, so that's a good point. And it has a lot of shades also and it gives you flawless base. So overall, that's my review about this foundation. I hope it is useful. कुछ भी होगा जो मैंने miss किया होगा आप comment section में पूछना and then मैं आपसे बात करती हूँ. और अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लो with bell button ताकि हम अगले video में मिले. तब तक के लिए bye bye, take care, see you.